हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे हैदराबादी स्टाइल खट्टी दाल रेसिपी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये हमने 150 ग्राम मसूर की दाल ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। आधा कप हरा धनिया लिया है, कट कर लिया है। 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स। और ये हमने 5 से 6 लहसुन की कली ली है, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। 2 टमाटर कट किए हुए, 2 हरी मिर्च कट की हुई। और ये हमने 6 से 7 इमली के टुकड़े ले लिए हैं, जिसे 2 टेबलस्पून पानी में भिगो लिया है। नमक एस पर टेस्ट, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये तड़के के लिए हमने 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स और 6 से 7 लहसुन की कली ले ली है। अब हम एक कुकर को गर्म कर लेंगे और उसमें हमारी जो दाल है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ ग्रेट किया हुआ लहसुन भी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। और लगभग 1/2 ग्लास पानी डालकर हम इसे पका लेंगे। देखिए, हमने 1/2 ग्लास पानी डाल लिया है। अब कुकर की लीड बंद कर लेंगे और 2 प्रेशर आने तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए, हमने 2 प्रेशर ले लिया है और जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। देखिए, अब हम इसे अच्छी तरह से घोट लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से घोट लिया है। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड कर लेंगे। इमली को हमने अच्छी तरह से निचोड़ कर उसका पानी यूज़ किया है। नमक ऐड कर लेंगे, कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे, कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। और 1/2 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें एक दफ़ा। अब हम इसे हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पकने देंगे। ताकि इमली का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से हमारी दाल पक जाए। हमें इसे अच्छी तरह से उबाल आने देना है, तब तक हम पकाएंगे लगभग 3 मिनट तक। ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। अब हम उसमें लहसुन ऐड कर लेंगे, ज़ीरा ऐड कर लेंगे,
लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। कड़ी पत्ते को हम जलने नहीं देंगे ताकि उसकी खुशबू आती रहे। और ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है, अब हम इसमें दाल में तड़का दे देंगे। और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी हैदराबाद स्टाइल दाल रेडी हो चुकी है। आप इसे प्लेन राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।